हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आऊँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 6 मई का फ्राइडे का दिन, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। यहाँ पे निफ्टी जो क्लोजिंग दी 16,682 पे एक अच्छा सा मार्केट गैप अप ओपन होते देखने को मिला। आज अच्छा सा ऊपर की तरफ सस्टेन किया, जो कि 16,940 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा, वहीं से जैसे रेजिस्टेंस लिया तो एक डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइंस में देखा था, एडवांस में 19 देखने को, डिक्लाइंस में 31 देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आज आपको कुछ एनालिसिस करने से पहले अगर कुछ चीज़ें दिखा दूँ, कुछ बता दूँ, कभी भी एक समझ में, जब बिग डाउन ट्रेंड आता है, बिग रेड कैंडल होता है तो एक सपोर्ट ब्रेक होता है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। और जब भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो ऊपर की तरफ हर जो सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और डाउन ट्रेंड देखे तो यहाँ पे हर रेजिस्टेंस को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब भी पुल बैक देता है डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे सेल के लिए आप एक सोच सकते हैं। तो आप याद रखना, कभी भी मार्केट गैप अप होता है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हर राइज पे आपको सेलिंग के लिए एंट्री मिलती है। अगर इस डाउन ट्रेंड में, अगर देखें ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, इस डाउन ट्रेंड को अगर अप साइड जाना है तो पिछला जो स्विंग है, इसका पिछला स्विंग के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करता है और जो फर्स्ट वो हाई लगाया था, उस हाई को ब्रेक करता है, तभी एक बाय साइड का व्यू ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे साइडेज होकर फिर से सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो एग्रेसिवली बाय मत कीजिए। जब डाउन ट्रेंड चलता है तब एक लोअर लो ब्रेक होता है, एक अच्छा सा फॉल देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे जब भी वो राइज करता है तो जब एक कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर मिलता है, तो आप सेल के लिए जा सकते हैं। तो चलिए, अभी चार्ट के ऊपर भी अपन देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। और आज का एक्सपायरी तो हो गया, तो अगले एक्सपायरी का जो डेटा है वहाँ पे अपन 12 मई का, उसका अभी अपन एनालिसिस करना है। 16,700 के नियर बाय यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिए, तो चलिए 16,700 का ये लेवल है। यहाँ पे 15,000 यहाँ पे कॉल राइटर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे 13,000 पुट राइटर। तो 16,700 का जो लेवल है अच्छा से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं दिखना, लेकिन रेजिस्टेंस अगर देखें तो 16,800 का देखने को मिल रहा है, कि 17,000 यहाँ पे कॉल राइटर है। और नीचे की तरफ यहाँ पे पुट राइटर भी कम है, मतलब 16,600 का लेवल एक वीकनेस के तरफ से वर्क करेगा, लेकिन 16,800 का लेवल अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। और नीचे की तरफ 16,500 का मिडिल लेवल है, यहाँ पे भी 11,000 यहाँ पे पुट राइटर है, तो 16,500 का अच्छा सा सपोर्ट के लिए वर्क कर सकता है। चलिए, अभी निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, डेली कैंडलस्टिक में क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक लगाता है, और यहाँ पे निफ्टी का अगर आप डेली कैंडलस्टिक देखें तो यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल हुआ, फिर आज गैप अप ओपन हुआ, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, आपसे रिजेक्शन मिला। और यह भी देखें तो फिलहाल के लिए अगर नीचे की तरफ जोन देखें तो 16,500 का जोन है, पिछले बार यहाँ से बाउंस बैक किया था, तो अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, यहाँ इससे लेवल को ब्रेक करेगा तो अनदर फॉल डायरेक्टली 15,000-16,000 तक लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना करके अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो और एक फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी चलिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख ले, इंट्राडे के लिए क्या प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 15 मिनट का चार्ट लगा है, जब आज रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, देख सकते हैं इसको मैं एक्शन करता, ये एक सपोर्ट हुआ करता था, और आज मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड जब भी देखो, यहाँ पे अपसाइड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लिया, अभी प्राइजेक्शन, अभी प्राइजेक्शन फिर से क्या बनना चाहिए, ऊपर की तरफ बनना चाहिए और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे, तो डाउन ट्रेंड इसी तरह आता है, अपन को सेल ऑन राइज रहना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पे अपसाइड की मोमेंटम लेनी है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसका टाइम यहाँ पे रेंज बना पड़ेगा, इस रेंज को फिर ब्रेक करेगा तब अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट करते रहेंगे, उसका स्टॉप लॉस लगता है उनके ऊपर, ये कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, जब हिट हो जाएगा तो बैक टू बैक एक मोमेंटम अपर साइड का देखने को, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे कोई बेरिश साइन मिलता है तो सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और आज ही यहाँ पे मार्केट ने गैप भी फिल कर दिया, तो यहाँ पे कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल अगर मेरे हिसाब से रेंज अगर देखें तो 16,800 और 16,600 का रेंज रहेगा। 16,800 के लेवल पे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले, तो सेल ऑन राइज जा सकते हैं। नीचे की तरफ 16,600 का एक लेवल है, इसको ब्रिज करता है, देखना पड़ेगा, इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर, इसके नीचे निकलता है, तो एक और यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए निफ्टी का लेवल्स आपको बता दें। चलिए बैंक निफ्टी का एक बार डेटा देखने लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखें, बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिए 35,200, तो 35,200 का लेवल अगर देखें तो ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 35,200 का लेवल ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 20,000 कॉल रेटिंग। चलिए एक बार मैं
एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी आई थिंक 12 में एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ तभी एक डेटा देखने को मिल सकता है। चले 35,200 का लेवल, तो 35,200 का लिए यहाँ पे 5,000-8,000 यहाँ पे कॉल रेटर देखने को मिल रहे हैं। हर्डल लेवल है 70,000 कॉल रेटर, 35,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर गया, फिर R4 रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे के सपोर्ट अगर देखें तो 20,000 पुट रेट, 35,000 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। कल अगर 35,000 के लेवल पे होल्ड करता है, यहाँ पे कोई बुलिश साइन देखने को मिलता है, 35,100 का लेवल को ब्रेक करता है, तभी ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज 35,000 के नीचे निकलता है, 34,900 के नीचे सस्टेन करता है, तो एक वीकनेस का साइन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ डायरेक्टली सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 34,500 एंड 34,700 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो चलिए आप ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखने को मिला कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक में देखें तो क्या देखने को मिला, डेली कैंडलस्टिक में उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अभी फिलहाल के लिए अगर नीचे की तरफ अगर स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट देखें मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये लेवल आ रहा है जो कि 34,000 का एक लेवल है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, चलिए 34,000 का एक लेवल है, 34,100 का यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट देखने को मिलता है, तो 1,500 पॉइंट का एक मोमेंटम है। अदरवाइज उससे पहले अगर देखें तो एक जोन देखने को मिल रहा है जो कि 34,760, तो यहाँ तक आता है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है। पिछली बार भी यहाँ पे सस्टेन किया यहाँ पे थोड़ा, और एक मोमेंटम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना, लेकिन वो लेवल 34,000 का था। अभी फिलहाल के लिए कौन से लेवल है एक बार 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन अगर देखें तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछला कल का लो और आज का लो यहाँ पे ब्रेक करता है 35,120 का लो ब्रेक करता है, इसी जोन में ओपन होते तो शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन शो करना पड़ेगा इसको, इस लेवल में यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन शो कर रहा है यहाँ पे ओपन होके, और उसके बाद में ब्रेक करेगा तभी एक मोमेंटम आ सकता है। उससे पहले अगर यहाँ पे दिखा दो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो यहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन क्या अभी ऊपर की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, नज़रअंदाज कीजिए कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज, लेकिन ये लो ब्रेक होता है कल का आज का, तो फिर से फॉल कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू बता दें कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि तो उनको भी पता चले निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके वहाँ पे आप चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।